नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल जीके क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी शेरशाह, सी औरंगजेब या डी अकबर। तो दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ये कब बनवाया था? तो 1538 से 1545 के मध्य निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32। तो यह किस पे विचार किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकटक है एक घाटी, नदी, झील, पर्वतमाला। तो लोकटक एक झील है। तो किस राज्य में पड़ती है? ये पड़ती है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में पड़ती है? मणिपुर राज्य में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी, मिट्टी के मैदान, उपजाऊ मिट्टी, घनी वनस्पति या सभी। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी, मिट्टी के मैदान, ऑप्शन ए। यह कच्छ का रण किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है गुजरात राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। इस क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आपका ऑप्शन है आइसोप्रीन, या ऑप्शन बी उथलीन, ऑप्शन सी ब्यूटाडाइन, ऑप्शन डी स्टाइरीन। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। इसका आणविक सूत्र कितना होता है? तो इसका आणविक सूत्र होता है C5H8, C5H8। और इसका अणुभार कितना होता है? तो अणुभार इसका होता है 68। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो यह किस प्रक्रिया के दौरान हटाए जाते हैं? ऑप्शन है क्लोरीनीकरण, निस्यंदन, चूना सोडा उपचार या वायु मिश्रण। तो किस प्रक्रिया के दौरान हटाए जाते हैं? यह हटाए जाते हैं वायु मिश्रण, वायु मिश्रण के दौरान हटाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ए रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, या ऑप्शन बी रुधिर शर्करा को घटाती है, ऑप्शन सी रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन रुधिर शर्करा को घटाती है, या ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय विखंडन, विघटन नाभिकता, या ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, या ऑप्शन डी ऊष्मा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊर्जा कौन सा कारण है? तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो वायु का मुख्य घटक कौन सा है? यह है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? तो वायुमंडल में 71% पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेड पेंसिल में होता है ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी फेरस सल्फाइड, ऑप्शन सी सीसा सल्फाइड या ऑप्शन डी ग्रेफाइड। तो लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य है, इसमें लेड पेंसिल में लेड जो होता है वह 0% होता है। कितने परसेंट होता है? 0% होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन है? तो आपके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी फास्फोरस, सी ऑक्सीजन या डी सल्फर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, ए एम्पियर, बी केल्विन, सी कूलाम या डी कैल्डला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी कूलाम, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी कर्नाटक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जोग गोर सुप्पा, जो गोर सुप्पा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए किस नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है आपका शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून का निष्पादन, ऑप्शन सी कानून को लागू करना या ऑप्शन डी कानून का न्याय निर्णय। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी कानून का न्याय निर्णय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चंपारण। चंपारण कहाँ? चंपारण बिहार, बिहार राज्य के चंपारण जिले से हुआ था। तो किस सन में हुआ था? यह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।